हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में। तो एडोब इलस्ट्रेटर है क्या? तो दोस्तों, जो हमारा एडोब ऐप इलस्ट्रेटर है वो हमारा एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेक्टर्स बनाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे, आपके करेक्टर्स होते हैं, कार्टून करेक्टर्स हैं, एनिमेटेड करेक्टर्स हैं, वो सब आपके जो हैं इलस्ट्रेटर में बनते हैं। तो वो हम कैसे बनाते हैं तो हम सीखेंगे इन वीडियोज में आगे। तो सबसे पहले, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेटर, कुछ इस तरह का आपके सामने कुछ शो होगा। यहाँ पे हमारे कुछ रिसेंट जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो शो होंगे। अगर आप करना चाहें तो यहाँ ये भी कर सकते हैं, जैसे रिसेंट आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आपने सबसे पहले क्रिएट न्यू करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पे आपको कुछ जो ऑलरेडी डिफॉल्ट होते हैं वो भी दिए गए हैं, जैसे मोबाइल के, उससे वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं अपने आर्टबोर्ड के लिए। जैसे अगर आपको अपना कस्टम करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम रख देते हैं हम ऑनलाइन फोटो एडिटिंग। और इसका हम आर्टबोर्ड साइज लेते हैं 1920x1080, जो हमारा लैंडस्केप में रहेगा या हमारा आर्टबोर्ड रहेगा। पिक्सल्स हम सिलेक्ट करते हैं इसमें हमेशा। अब यहाँ से क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगी। इस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको ऊपर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, होम, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प। और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आपको टूल बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे आपके टूल्स हैं जो आप यूज करेंगे एडिटिंग के टाइम पे। और अगर राइट साइड में देखेंगे तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। तो आपकी प्रॉपर्टीज में होता क्या है, जैसे ये आपका आर्टबोर्ड का साइज है, पिक्सल्स में है, किस चीज में है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। आर्टबोर्ड 1 है, एडिट आर्टबोर्ड, आप यहाँ से अपना आर्टबोर्ड एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद रूलर एंड ग्रिड्स, जैसे आपको रूलर चाहिए आपकी, जैसे आप बना रहे हैं कोई, आप डिजाइन कर रहे हैं, ग्राफिक बना रहे हैं, तो आपको उसका जो डायमेंशन है वो आपको शो होती रहेंगे साथ साथ। उसके ग्रिड्स हैं, जैसे आपके ये ऊपर इसके ग्रिड्स आ जाती हैं सारी, इससे आप अपनी जो ग्राफिक्स हैं उनको आराम से बना सकते हैं इजीली। उसके बाद ये आपका बैकग्राउंड रिमूवर हो गया, जैसे आपका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइड्स, गाइड्स में क्या रहता है, जैसे आप गाइड्स ओपन कर देते हैं अपनी, तो आपने जैसे बॉक्स लिया तो आपकी गाइड्स आती रहेंगी यहाँ पे। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये पिंक लाइन आ रही है बीच में, ये पिंक लाइन आ रही है, तो आप इससे आप सेलेक्ट करके अपना चेंज कर सकते हैं या अपने डायमेंशन वगैरह, या जैसे आपका कितना इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, आपको उसके स्ट्रेट में लाइन लेनी है तो कैसे लेनी है, तो आप ये ग्रिड की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्नैप ऑप्शंस हैं और ये नीचे प्रेफरेंस दी गई हैं। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर लेयर्स हैं, जो आपकी लेयर बनेगी। जैसे आप इलस्ट्रेटर में लेयर्स पे काम करते हैं तो जो आप लेयर बनाएंगे आपको यहाँ शो होती रहेंगी। जैसे ये लेयर हमारी एक, इस पे हम एक बॉक्स बनाते हैं जैसे, तो इस लेयर में बॉक्स आ गया। वैसे आप और बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, एलिप्स बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी जो लेयर है उसमें सारे चीजें आ चुकी हैं। आप चाहे इनकी अलग अलग लेयर भी बना सकते हैं और आप एक लेयर में भी काम कर सकते हैं, इनके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ आपका जैसे फाइल ऑप्शन है, तो फाइल ऑप्शन में आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यू, अगर आपको न्यू अपना जो आर्टबोर्ड न्यू लेना है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन, ओपन रिसेंट फाइल्स, जो आपकी रिसेंट फाइल्स अगर आपने ओपन करनी है, क्लोज, सेव, सेव एज, सेव अ कॉपी, सेव एज टेम्पलेट, सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस, सर्च एडोब स्टॉक, प्लेस, एक्सपोर्ट, पैकेज, स्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट सेटअप, डॉक्यूमेंट कलर मोड, फाइल इनफो, प्रिंट, एग्जिट। और जैसे एडिट में आएंगे, अंडू क्लियर, रीडू क्लियर, जैसे अंडू रीडू करना है, हमने कुछ हमारी मिस्टेक हुई तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस, ये जैसे आप अभी
हम आगे वीडियोस लाते जाएंगे तो इनके बारे में आपको और डिटेल में बताते जाएंगे हम कि क्या किसका क्या वर्क होता है। फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग चेक, एडिट कस्टम डिक्शनरी, एडिट कलर्स, ट्रांसपेरेंसी, पैटर्न प्रीसेट्स, प्रिंट प्रीसेट्स, एडोब पीडीएफ प्रीसेट्स, एसडब्ल्यूएफ प्रीसेट्स, कलर सेटिंग, असाइन प्रोफाइल, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, माई सेटिंग प्रेफरेंसेस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म, अरेंज, ऐसे ही आपको जो भी ऑप्शन सारे दिए गए हैं ये आपको आगे डिटेल्स में बताते रहेंगे अगली वीडियोस में हम। उसके बाद देख सकते हैं टाइप में, सिलेक्ट में, इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में आप 3D, अगर आपको कुछ 3D बनाना है, 3D ग्राफिक बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं यहाँ पे 3D की हेल्प से। और काफ़ी चीज़ें हैं, हम जैसे अब आगे डिटेल्स में बनाते रहेंगे सब कुछ। तो अभी टूल्स की तरफ देखते हैं अपने, तो सबसे पहला टूल है हमारा सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल, और यहाँ से हम अगर राइट क्लिक करते हैं एंकर पॉइंट टूल, उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं ये कर्वेचर टूल है आपका, ये आपकी एलिप्स, ये आपकी जो शेप्स होगी रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार टू और लाइन सेगमेंट टूल, ऐसे इसके नीचे आपका ब्रश है, आप देख सकते हैं पेंट ब्रश है, और इसके साथ ही और भी कई आपको टूल्स हैं, ब्लॉक ब्रश टूल, पेंसिल टूल, फ्रेम ट्रांसफॉर्म टूल, इनके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे आगे आगे। उसके बाद टेक्स्ट, या आपके जो टेक्स्ट हैं, जो आप टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट टूल है, टाइप टेक्स्ट, टाइप ऑन पार्ट टूल, वर्टिकल टाइप टूल, उसके बाद आपका रोटेशन टूल है, या इसके बारे में भी आपको बताएंगे, रोटेट, स्केल, रिफ्लेक्ट, शेयर, उसके बाद आपका इरेजर टूल है, जो इरेजर टूल, सीजर टूल, जैसे आप आगे हम वीडियोस बनाते रहेंगे डिटेल्स में बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ, जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, अब ये रेक्टेंगल हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसको हमने फिल करना है, तो जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में आगे ये रेक्टेंगल की जो आपकी विड्थ है, जो उसकी हाइट है वो आ गई है यहाँ पे, अगर आप यहाँ चेंज करना चाहिए चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम 7 इसकी विड्थ हम कर देते हैं 1280, हाइट कर देते हैं 720। तो आप देख सकते हैं इसको सेंटर में लाएंगे या नीचे आएंगे तो फिल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसको फिल भी कर सकते हैं कलर से। उसके बाद स्ट्रोक, आप इसमें स्ट्रोक इफेक्ट डालना है तो स्ट्रोक इफेक्ट डाल सकते हैं, देख सकते हैं आप ऐसा स्ट्रोक इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी, आप जितनी चाहे करना चाहे कर सकते हैं इसको, उसके बाद लेयर में आते हैं, तो लेयर में आपको बताया था जैसे आप जो भी बनाएंगे वो आपकी लेयर बनती जाएगी। पेन टूल है, आप यहाँ से लाइन वगैरह बनाना चाहें तो उसके उससे भी बना सकते हैं पेन टूल से, ऐसे करके ये आपकी एक शेप बन गई है, देख सकते हैं आप। आप जो अपने वेक्टर ग्राफिक्स हैं ये आप काफी सारे जगह यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पोस्टर बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, कोई पेम्पलेट्स बनाने हैं, उन चीजों में भी आप वेक्टर ग्राफिक यूज कर सकते हैं। आपके दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, एक वेक्टर ग्राफिक्स और एक रेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स और रेक्टर ग्राफिक्स में डिफरेंस क्या होता है, जो वेक्टर ग्राफिक्स रहते हैं ये आप जितना भी जूम करेंगे इनके पिक्सल फटते नहीं है, क्योंकि एक तरह से आपके स्केच होते हैं या आप कह सकते हैं एक ड्राइंग होती है, तो ये इसके जो पिक्सल्स आप जितना मर्जी जूम करेंगे फटेंगे नहीं, जहां के रेक्टर ग्राफिक्स होते हैं उनके पिक्सल्स फट जाते हैं। रेक्टर ग्राफिक्स जैसे आपके इमेजेस हो गई वो आपकी रेक्टर ग्राफिक्स होती हैं, और जो आप फोटोशॉप करते हैं फोटोशॉप में भी लगभग आप रेक्टर ग्राफिक्स पे ही काम करते हैं। उसके बाद मैं टूल्स की बात कर रहा था, तो ये आपका शेप बिल्डर टूल है, ग्रेडियंट टूल है, ग्रेडियंट टूल जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो आप इसमें ग्रेडियंट डाल सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप ऐसे आप ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं, टू कलर कर सकते हैं इसमें, जैसे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं सेंटर में से लाइट ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं।
ऐसा डुअल कलर कब बना सकते हैं ग्रेडियंट टूल यूज करके। अपना आपने कोई बैकग्राउंड बनाना है तो आप ऐसे अपना बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। और आप इसको जैसे आप कर्व करना चाहते हैं तो आप कर्व भी कर सकते हैं, बस इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये देखो आप यहाँ से इसका शेप चेंज कर सकते हैं ऐसे। कौन सा सिलेक्ट करोगे आप वहां से कर सकते हो, अगर आप चारों सिलेक्ट करते हो तो चारों को एक साथ भी आप कर सकते हो, अगर आप एक सिलेक्ट करके तो एक को भी कर सकते हो। अगर आप शेप बनानी है आपने कोई, आप इसमें अपनी कोई भी शेप बना सकते हो अपने हिसाब से। ऐसे ही आप अपनी शेप्स बना सकते हो, करेक्टर्स बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी आगे की वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे सब कुछ। थैंक यू।